कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रस्तुत 12 मदों पर विचार किया गया और विचार विमर्श के दौरान प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित पक्षकारों से उनका पक्ष सुना गया और विस्तृत विचारोपरांत विभिन्न निर्णय लिए गए। बैठक में 1 जनवरी 2021 से 30 सितंबर 2021 तक किए गए कार्यों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया। इसके अतिरिक्त मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत स्थायी सवारी गाड़ी के परमिट हस्तांतरण हेतु प्राप्त 4 आवेदन पत्रों के कमिश्नर द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत मुरादाबाद केंद्र से संचालित CNG ईंधन युक्त ऑटो रिक्शा के परमिट हस्तांतरण हेतु एजेंडे में प्रार्थना पत्रों के साथ प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर आवेदनों को स्वीकार करते हुए प्राधिकरण की नीति के अनुसार कार्यवाही के निर्देश देते हुए हस्तांतरण किए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में डीजल संचालित टेम्पो टैक्सी के परमिटों पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। ई रिक्शा को प्रोत्साहन देने हेतु निर्देशित किया गया।